अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। सो गाइस, हम आज जा रहे हैं क्वेटा के सबसे सस्ते होटल पे। जी हाँ गाइस, आज हम जा रहे हैं क्वेटा के सबसे सस्ते होटल जो बहुत ही फेमस है, लेकिन ये जो है बहुत ही सस्ता होटल है। सो फाइनली गाइस, अब हम जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे जो सबसे सस्ता होटल है क्वेटा का, वही जा रहा है खान मंसूर है, और ये कोचाई और ये अवेस लागो। सख्ती चल रही है, उधर वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, मैंने फिर भी चोरी करके बना लिए, एक दो क्लिप बना लिए मैंने। अभी आगे जाएंगे, अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या सीन चलता है अंदर। सो गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं, बहुत ही सख्त सिक्योरिटी है, बहुत ही मेहनत से अंदर छोड़ रहे, हर चीज़ चेकिंग कर रहे हैं, मोबाइल से लेकर जेब से एक एक चीज़ लोग चेक कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये गरीबों का होटल है, बहुत ही खूबसूरत बना है, क्वेटा का सबसे बड़ा होटल यही है, इससे बड़ा होटल कोई नहीं है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो भी आते हैं सारे इधर ही स्टे करते हैं, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, अंदर बैठ के वीडियो अलाउड नहीं, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे आई थिंक सुना है कि आज दो तीन साल पहले एक कप चाय जो थी 375 रुपए का था, तो अब पता नहीं कितने का है, मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोग ऐसे होटलों पे बैठते नहीं है। स्टार्ट है और अभी हम खाना टेस्ट करेंगे, अमीरों का खाना। नॉर्मल है, आम की तरह खुराक है, उसी तरह खुराक है, फर्क नहीं, सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ का जो नाम बड़ा है सेरिना होटल, और यहाँ की डेकोरेशन बहुत प्यारी है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सारे थे, 5-star होटल है, बाकी चीज़ें सारे सेम है। इससे अच्छा तो हमारे यहाँ रेडी वाला बेचता है, कैसे नहीं। सो गाइस, अब दोबारा गए हम लोग खाना उठाने के लिए, क्योंकि उससे पेड़ नहीं भरा हमारा, तो अब दोबारा हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जितने आप लोग जितना आप खा सकते हो उतना आप खा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, देखो मीठी चीज़ें देते हैं लोग, आप देख सकते हैं से बहुत ही लंबे हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं इसके बाद, फिर आई थिंक कॉफ़ी होगी, फिलहाल इसके मज़ा लेते हैं, चॉकलेट से केक है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे। अगर ये खाना हम लोग बाहर किसी होटल में खा लेते तो इसका बिल 1000 रुपये आता था, लेकिन यहाँ पे इसका बिल 10000 रुपये है। थोड़ा सा खाना था, हम लोगों ने खुद देख लिया, एक एक प्लेट दो दो प्लेट हम लोगों ने खा लिया, इसका बिल 10000 रुपये आ गया। तो ये 5-star होटल में खाना खाने का ये मतलब पैसों की बात यहाँ पे नहीं हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइंदा किसी 5-star होटल में मत आना। हमें तो किसी ने, इस बंदे ने हमें पार्टी दी है, इस बंदे ने, लेकिन हम लोग तो फ्री में आए थे खाने के लिए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी 5-star होटल में खाना खाने कभी मत जाना।
सही है, मुझे पता है ये कपल्स कभी कभार चले जाते हैं अपने जी एफ बी एफ के साथ जाते हैं ना, तो उनको बता रहा हूँ भाई कि ये गलती से भी नहीं आना यहाँ पे, आपको ये दौड़ना पड़ेगा। नहीं, ये फिल्मों में ऐसा होता है कि बुलेट दो या पैसा नहीं चलता है। अच्छा, अगर आपका ये भी अच्छा तरीका है, अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है ना तो आपसे पैसे नहीं हुए तो बस क्या करो, बस वहाँ पे जाकर थोड़े प्लेटें वगैरह दो लो, पैसे माफ। ये भी अच्छा सिस्टम है, लेने के देने पड़ जाएंगे। गर्लफ्रेंड को भी एक रात इधर रुकना पड़ेगा, फिर साफ बात है, मर्जी आप लोगों की, यहाँ पे गलती से भी नहीं आना, फाइव स्टार होटल की ये चीज़ है। बहुत ही मज़ा आया, और बारिश है कोई टाइम, आप देख सकते हो बहुत ही ठंडा मौसम है, देख सकते हो। मैंने कहा थोड़ा बाहर घूम लें, तो बाकी तो सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है यहाँ। कभी सेम आम होटलों की तरह खाना भी यहाँ का सब सेम है, लेकिन यहाँ के जो डेकोरेशन है, जो यहाँ का जो सफाई है, बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है यहाँ का, खाना लेने का देने का। फिर यहाँ पे सुकून ही सुकून है ना, पे ना मतलब ना रश है। तो ये था गाइस कोयटा का सबसे महंगा, सबसे बड़ा खूबसूरत होटल, जिसका नाम है सरीना होटल कोयटा का। उम्मीद है गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।